नमस्कार, मैं उमाही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। लोकसभा का चुनाव चालू हो गया है, दो चरण के चुनाव हो चुके हैं, तीसरे का बचा हुआ है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि कुछ ऐसी सीटें हैं जिनको हॉट सीटें मानी जा रही हैं। अब वो सियासी सरगर्मी भी बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो केसरगंज की सीट है वो उसने एक अलग तरीके का सियासी हलचल मचा कर रखा है। सबकी नजरें उसी सीट पर बनी हुई है कि आखिर क्या ब्रिजभूषण सरन सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं। काफी दिनों से इस जद्दोजहद में ब्रिजभूषण सरन सिंह भी लगे हुए हैं कि भाजपा कब इस सीट पर उनका नाम घोषित करेगी, लेकिन भाजपा ने भी जो सस्पेंस बनाकर रखा है, ऐसे में माना जा रहा है ब्रिजभूषण सरन सिंह भी कहीं ना कहीं कसमकस में दिखाई दे रहे हैं। उनको भी डर है कि बीजेपी उनको टिकट देगी या नहीं, लेकिन फिर भी वो अपनी चुनावी रणनीति बनाने में पीछे नहीं हट रहे हैं। वो लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों से मिल रहे हैं और वहां पर लोगों में अपनी पैड भी बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, ब्रिजभूषण सरन सिंह ने इसके पहले भी जितनी बार उन्होंने चुनाव जीता वो लड़े, उतनी बार उन्होंने चुनाव जीता। सपा में रहे हो फिर भी वो चुनाव जीते, भाजपा में आ गए फिर भी वो चुनाव जीते। ऐसे में यही माना जा रहा है कि भाजपा भी नहीं चाहती है कि उनका टिकट काट दिया जाए, लेकिन कुछ ऐसे विवाद रहे हैं ब्रिजभूषण सरन सिंह के, चाहे वो पहलवानों को लेकर हो, चाहे वो तमाम उनके बयान को लेकर हो, उसके बाद एक अलग राजनीति माहौल देखने को मिल गया। अब ऐसे में ब्रिजभूषण सरन सिंह लगातार इस बात का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि टिकट उनको मिलेगा, 99% श्योर है, लेकिन अब ऐसे में ये सारी चीजें बीजेपी श्योर होते हुए दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि ऐसा कुछ होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। आपको बता दें, इसके पहले बीजेपी ने बोला कि उनके बेटे और उनकी पत्नी को किसी एक को टिकट देने के लिए बीजेपी तैयार थी, लेकिन ब्रिजभूषण सरन सिंह उसके लिए तैयार नहीं थे। अब ऐसे में 7 मई को ब्रिजभूषण सरन सिंह के ऊपर जो कोर्ट का वो फैसला आना है, अब वो फैसला डिसाइड करेगा कि क्या ब्रिजभूषण सरन सिंह के ऊपर बीजेपी एक बार फिर से भरोसा जताते हुए नजर आएगी या फिर ब्रिजभूषण सरन सिंह सपा की तरफ रुख करते हुए नजर आएंगे। उसमें कोई दो राय भी नहीं है कि अगर इस बार बीजेपी ने ब्रिजभूषण सरन सिंह का टिकट काटा और वो सपा में शामिल हो जाए, क्योंकि इसके पहले भी ब्रिजभूषण सरन सिंह सपा का रुख कर चुके हैं, फिर वो भाजपा में आ गए, लेकिन इस बार अगर उनका टिकट नहीं बीजेपी नहीं देती है तो कहीं ना कहीं ब्रिजभूषण सरन सिंह इसमें एक बार भी सोचते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको टिकट चाहिए। अब ऐसे में 7 मई को फैसला आना है, अगर उनके हक में फैसला आता है तो शायद बीजेपी उनको टिकट देते हुए भी नजर आए, लेकिन जिस तरीके से पूरा ब्रिजभूषण सरन सिंह पूरा चुनावी माहौल तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें कहा नहीं जा सकता कि उनको बीजेपी टिकट नहीं देगी। लेकिन अब आप देखिएगा, ये जो पूरा सियासी समीकरण बना है ब्रिजभूषण सरन सिंह ने, ये तो वो अपनी तरफ से बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी अपना ऐसा कोई रुख साफ नहीं किया है। आप देखेंगे, बीजेपी ने इसके पहले तमाम विवादित चेहरे जिसने भी भाजपा के खिलाफ बोला या फिर कुछ ऐसी बयानबाजी की जो बीजेपी के वोट शेयर को कम करती है, बीजेपी ने उन सभी के टिकट काट दिए। चाहे आप साध्वी प्रज्ञा की बात कर लीजिए, चाहे आप भिदूड़ी की रमेश की बात कर लीजिए, तमाम जिस बड़े बड़े नेता, आप वरुण गांधी की बात कर लीजिए, लगातार वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आए, तो ऐसे में तमाम उन बड़े नेताओं का टिकट काट दिया गया जिसमें उन लोगों ने विवादित बयान दिया था या पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसकी अवमानना की थी या जो पार्टी के रूल एंड रेगुलेशन है उसकी अवमानना की थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी उनको अपनी पार्टी से दूर रखते हुए नजर आई। अब ऐसे में कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर ब्रिजभूषण सरन सिंह के हक में फैसला नहीं आता है तो क्या बीजेपी उनसे किनारा कर सकती है, और फिर ब्रिजभूषण सरन सिंह का जो अगला कदम है वो क्या होगा, क्या वो सपा में जाते हुए नजर आएंगे, अखिलेश यादव से हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कही जा सकती। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि क्या ब्रिजभूषण सरन सिंह अगर बीजेपी छोड़कर उनके हक में फैसला नहीं आता है तो वो सपा में जाएंगे, तो जिस तरीके से उनका दबदबा है वो तब भी कायम रहेगा या फिर उसमें कुछ कमी या हेरफेर देखने को मिल सकती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।